नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता, कहा नहीं जा सकता कि कब कौन सा नेता पलट जाए। अब कल की ही बात देख लीजिए, कल तक महागठबंधन की सरकार अच्छी खासी चल रही थी और जायद जेडीयू और कांग्रेस के प्रवक्ता सरकार में कामकाज और उनके स्थायित्व को लेकर पूछे गए सवालों को मजाक उड़ाते थे। पर आज नीतीश कुमार अपनी पार्टी और सरकार दोनों के बचाने की जुगत में है, तो राजद की ओर से भी सत्ते पे सत्ता वाला खेल खेला जा रहा है। बता दें कि अब लगभग ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे और अब केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक ऐसी चाल चल सकते हैं जिसमें उनके बेटे की ताजपोशी भी हो जाए, और नीतीश कुमार ने ये सब फेर बदल करना शुरू भी कर दिया है उन सब बातों को लेकर। दरअसल नवंबर दिसंबर के महीने में नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़े जाने की कोशिश हुई थी और नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई। ये कोशिश कोई ना कोई लालू प्रसाद यादव की तरफ से कर रहा था तो कोई पार्टी राजद की ओर से कर रहा था। इसके लिए पटना में 12 विधायकों की बैठक हुई जिसमें से एक ने नीतीश कुमार को पूरी खबर दे दी और जेडीयू टूटने से बच गई। उसके बाद राजद और जेडीयू के रिश्ते अपने अंतिम दौरे पर पहुंच गए थे। इस तरह लालू प्रसाद यादव की कोशिश असफल हो गई। बता दें कि भले ही लालू प्रसाद यादव और जेडीयू विधायकों को तोड़ नहीं पाए, लेकिन अगर वे जेडीयू के कुछ विधायकों से इस्तीफा दिलवाने में कामयाब हो जाते तो उनका रास्ता आसान हो जाता। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा ने कांग्रेस विधायकों के साथ ही यही किया था। जेडीयू के कुछ विधायक अगर इस्तीफा दे देते तो विधायक में बहुमत का आंकड़ा कम हो जाता और अभी कांग्रेस और वाम दल को मिलाकर राजद के पास 114 विधायकों की संख्या है। अगर एक दर्जन विधायक इस्तीफा दे दें तो बहुमत साबित करने के लिए लगभग इतने ही विधायकों की जरूरत होगी जितनी कि राजद के पास है। लालू प्रसाद यादव अगर इसमें कामयाब हो जाते तो उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो सकता है और तेजस्वी यादव की बिहार में बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी हो सकती है। राजद के पास अभी 79 विधायक हैं और 19 विधायक कांग्रेस के, भाजपा माले के 12 विधायक, भाकपा के पास 2 और माकपा के पास 1 विधायक है। कुल 114 विधायक राजद के पास हैं। दूसरी ओर अगर भाजपा की बात की जाए तो उनके पास 78, नीतीश कुमार की पार्टी के पास 45 और जीतन राम मांझी के पास 4 विधायकों की संख्या है। जीतन राम मांझी को अगर लालू प्रसाद यादव की ओर से बड़ा ऑफर मिलता है तो राजद के साथ वो जा सकते हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं तेज हैं वो लालू को लेकर तेज हैं कि लालू प्रसाद यादव अब अगर कुछ नया फेरबदल करते हैं तो उनकी जीत हो सकती है, क्योंकि लगातार बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं NDA खेमे में शामिल हो जाएंगे। और NDA खेमे का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर आते हैं तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत है, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार उस पद से इस्तीफा देते हैं तो अगले भावी मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को ही देखा जा रहा है और जेडीयू के कुछ विधायक इस काम को करवा सकते हैं। तो ऐसे में अगर वो विधायक काम करवा लेते हैं तो लालू प्रसाद की यहाँ पर सरकार बन सकती है और बाजीगर के तौर पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव देखे जा सकते हैं। दर्शकों, अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे का पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञों की बात मानते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।